हमारे भारत देश में दशहरा का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि भगवान राम ने लंका नरेश रावण का वध किया था। लेकिन हम आपसे ये कहें कि रावण मरा नहीं, आज भी वो जिंदा है और वो धरती पर मौजूद है, तो आप क्या कहेंगे? भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है और वो आज भी हमारे इस धरती पर मौजूद है। आप जानना चाहते हैं कि वो कहाँ है, तो हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। रामायण में माता सीता को लंका नरेश रावण के चुंगुल से छुड़ाने के लिए भगवान राम और लंका नरेश रावण के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया। युद्ध के खत्म होने के बाद भगवान राम ने रावण का शव विभूषण को सौंप दिया, जिससे वो उसका अंतिम संस्कार करके अंतविधि पूरी कर सके। लेकिन कोई नहीं जानता कि रावण का अंतिम संस्कार हुआ भी था या नहीं, क्योंकि आज तक किसी को भी उसके अंतिम संस्कार के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। यह वजह है कि आखिर उसके शरीर का क्या हुआ? अगर हम आपसे ये कहें कि रावण मरा नहीं है और वो जिंदा है और उसका शव आज भी सुरक्षित रखा है, तो जाहिर सी बात है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन आज हम आपके सामने कुछ सबूत पेश करेंगे। दरअसल श्रीलंका के रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़े घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इन्हीं में से एक जगह ऐसी है जहां रावण के सबूत मिले हैं। रेगला के जंगलों की पहाड़ी पर है रावण। रिसर्च के मुताबिक रेगला के जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहां पर बहुत बड़ी गुफा है। ये गुफा काफी ऊंचाई पर है। कहते हैं कि यहां रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा है। खोज में ये भी दावा किया गया है कि रावण इसी गुफा में पूजा पाठ करता था। रेगला पहाड़ी पर यह गुफा लगभग 8000 की ऊंचाई पर है, जहां पर 17 फुट लंबी ताबूत में रावण की ममी रखी गई है। फिर से आएगा रावण। रावण के मारे जाने के बाद लंका के साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में बगैर दाह संस्कार के शव को ऐसा ही छोड़ दिया था। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा पाठ करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की कोशिश बहुत की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को ममी बनाने का सोचा। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह रावण जिंदा हो जाएगा, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। रिसर्च का कहना है कि रावण की ममी रेगला की गुफा में है और वो सुरक्षित रखी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि एक दिन रावण का मृत शव फिर से जिंदा हो उठेगा। ताबूत में सुरक्षित रखा है शव। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है। कहते हैं कि इस लेप की वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है। ताबूत 16 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा है। जैसा कि आपको पता है कि प्राचीन समय में इजिप्ट में ममी बनाने की परंपरा थी। ममी को खास तरह के लेप लगाकर तैयार किया जाता था। उस तरह रावण के शव को ममी बनाकर तैयार किया गया ताकि वो सुरक्षित रह सके। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ममी के पीछे रावण का बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। शक्तिशाली था रावण। हिंदू मान्यता के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था। रावण को अपनी ताकत पर पूरा घमंड था। उसकी ताकत का घमंड आखिर में उसे ले डूबा। घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी सीता का हरण किया। लाख समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो भगवान राम और रावण के बीच घनासान युद्ध हुआ। लेकिन लंका नरेश रावण के पास बहुत शक्तिशाली सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से रावण मारा गया। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है।
रावण ने जिस जगह माता सीता को हरण करके रखा था उसके पास एक झरना है जहां पर आज भी भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। रावणास केव। श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावणास केव है। इसे रावण एल्ला के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एल्ला में स्थित है। आप चाहे तो रावणास केव से गूगल पर सर्च करके भी जान सकते हैं। कहते हैं कि रावण ने अपने जिंदगी के कुछ साल यहाँ बिताए थे। ये गुफा समुद्र तल से 4,490 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ तक पहुँचने के लिए एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही जोखिम भरा है, जैसा कि आप देख रहे हो, जहाँ पर आपको पहाड़ी रास्तों से गुजरना होगा। इसके साथ ही यहाँ की चिड़िया काफ़ी टूटी पड़ी है। रावण ने माता सीता को जिस अशोक वाटिका में रखा था वो भी यहाँ से नज़दीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। घने जंगलों से घिरा होने के वजह से और जंगली जानवर के आने जाने का खतरा बना रहता है। फिलहाल रावण के जिंदा होने वाली बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ यह कहना तो मुश्किल है, लेकिन श्रीलंका के रिसर्च सेंटर द्वारा किए गए दावे से तो यही साबित होता है कि रावण का शव आज भी सही सलामत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, रावण का शव आज भी सही सलामत होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरह के रोमांचक वीडियो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।